देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, कितनी खूबसूरत सी ये जो है फैब्रिक पेंटिंग, बेडशीट का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही सूदिंग है, आई कैचिंग डिज़ाइन है। आप इसे जब भी ट्राई करेंगे तो देखिएगा जितना दिल खुश आपका इसको बनाने में करेगा, उतना ही दिल आपका खुश होगा जब आप इसको यूज़ करेंगे कुर्ती में, दुपट्टा में, किसी भी चीज़ में। वेलकम बैक टू माई चैनल आर्ट फैक्ट्री PD। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और इस खूबसूरत से डिज़ाइन को देखकर सीखकर और भी ज़्यादा खुश और स्वस्थ महसूस करेंगे, क्योंकि ये डिज़ाइन कुर्ती में, दुपट्टा में, बेडशीट में, कहीं पर भी यूज़ होगा, सब लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपसे पूछेंगे कि किससे बनवाया। तो दोस्तों चलते जब करते हैं हमारी जो वीडियो है ना, इसकी शुरुआत। और इसके लिए मैं नियॉन पिंक शीट, मजेंटा शीट, जो हमारी फैब्रिक कलर की किट में आती है ना, वो शीट मजेंटा मैं यूज़ करूँगी, नियॉन पिंक यूज़ करूँगी, सैप ग्रीन कलर यूज़ करूँगी इसके लिए, वाइट कलर यूज़ करने वाली हूँ और ऑरेंज कलर यूज़ करूँगी। सो फ्रेंड्स देखिए किस तरह से मैं बना रही हूँ, बहुत इजी है। और ध्यान रखिएगा अपने कलर्स को थोड़ा थोड़ा पतला कर लीजिएगा। और ये आज जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल बिगनर्स लेवल पर है, बिगनर्स के लिए है, और जिन्हें शेडिंग एंड मर्जिंग नहीं आती ना बिल्कुल, उनके लिए है दोस्तों। और राउंड ब्रश से आज मैं ये पूरा आर्टिकल कंप्लीट करने वाली हूँ। ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ फ्लैट ब्रश, लेकिन आज मैं यूज़ करने वाली हूँ राउंड ब्रश। तो आप ध्यान से सीखिए, ध्यान से बनाइए, और किस तरह से मैं इसको शेडिंग एंड मर्जिंग कर रही हूँ आप देखिए। ये बहुत इजी है, सब कर सकती हैं, बिल्कुल बिगनिंग जिसको नहीं आती ना फैब्रिक पेंटिंग, वो भी इस तरीके से कर सकते हैं। सो मैं किस तरह से कर रही हूँ अब ये देखिए। व्हाइट कलर को हम एज अ बेस कोट भी लगा सकते हैं और वहाँ पर भी लगा सकते हैं जहाँ आपको चाहिए। तो मैं नियॉन पिंक जो शेड है ना उसको ले रही हूँ, जो हमारा अपवर्ड जो है ना पेटल का जो सबसे ऊपर का हिस्सा उसमें मैं ले रही हूँ, और जो डेप्थ शो करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मजेंटा कलर। सो फ्रेंड्स जब भी आप यू डेप्थ शो करने के लिए कोई भी आर्टिकल में यूज़ करते हैं ना, तो एक शेड डार्क टोन यूज़ करिएगा, और ये जो ओवरलैपिंग है ना पेटल्स की, ये सब हम बाद में अच्छे से एनहांस करने वाले हैं। सो पूरा वीडियो आपको देखना होगा, पूरा वीडियो में आपको सीखना होगा, क्योंकि इसके बाद मैं आपको लीफ बताने वाली हूँ और उसके बाद वो ब्यूटीफुल सा जो बर्ड था ना वो। तो देखिए नियॉन कलर से थोड़ी सी इसमें शाइनिंग ज़्यादा आ रही है, तो मैंने आपको तीन तरीके से तो इसमें मैंने शेडिंग सिखा दी, एक तरीके से बिल्कुल बेस में वाइट कलर लगाकर, और एक तरीके में हाफ में वाइट कलर और हाफ में नियॉन, और डेप्थ शो की हमने मजेंटा कलर से। सो देखिए फ्रेंड्स जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उससे कीजिएगा, लेकिन जब आप करेंगे ना तो बहुत ईजीली आप कर पाएंगे। मैं बिल्कुल ईजी वे में आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो हैंड पेंटेड दुपट्टा, सूट, साड़ीज, बेडशीट्स, कुशंस, पर्दे, कर्टन, जो भी आप देखते हैं ना वो बहुत आई कैचिंग होता है, और सबका दिल करता है कि हम भी खुद अपने लिए बनाएं। इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है कि कोई भी तरसे ना, सब आर्ट सबको आना चाहिए, क्योंकि मार्केट में सब कुछ मिल जाता है दोस्तों, लेकिन वो नहीं मिलता जो आपको खुशी दे, वो नहीं मिलता जो आप बना सके, या वो नहीं मिलता जो आपके दिल के करीब हो, क्योंकि मार्केट से परचेज किए हुए का हम उतना ध्यान नहीं रखते हैं दोस्तों जितना हम खुद के क्रिएशन का रखते हैं। आप ये बात आजमा सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत क्रिएशंस बनाती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ, और बहुत सहेज कर मैं इन चीज़ों को रखती हूँ, और जब भी मैं इनको देखती हूँ ना सच में दिल खुश हो जाता है। अब तो मेरी हर एक वीडियो और हर एक आर्टिकल से याद सी जुड़ गई है कि ये उस वीडियो की थी, उसमें मेरे जो व्यूवर्स थे, मेरे फॉलोवर्स थे, वो मुझे इस तरह से कमेंट्स कर रहे थे, ये कमेंट्स मिला, इतने लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई, इतने लोगों को मेरा आर्टिकल पसंद आया। तो सच में दोस्तों काम करने का और भी दिल करता है और बहुत मन खुश हो जाता है मेरा तो, जब आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है।
और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं और भी अपनी फैमिली को बढ़ा रहे हैं। इसका आप सबको तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों की शेयरिंग के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो जो आर्ट फैक्ट्री पीढ़ी की फैमिली है ना, उसको आप लोगों को ही बढ़ाना है और ये तो आप पर ही डिपेंड करता है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो ओवरलैपिंग थी ना, उसको किस तरह से डिफाइन किया है, जहाँ टॉप पर हल्का सा मैंने जो डार्क टोन लगा कर उसको राउंड शेप में इस तरह से शो किया है कि वो उसको ओवरलैप कर रही है। सो दोस्तों, शेडिंग मर्जिंग मैंने ये सब आपको पहले भी एक बिल्कुल इजी ट्यूटोरियल में बताया था, लेकिन वो मैंने आपको टेक्निकली बताया था, जो टेक्निकली हमें जो हम सीखते हैं वो बताया था। लेकिन जो आज मैं बता रही हूँ, ये वो लेवल है जो बिल्कुल बिगनिंग में हम करते हैं और बिल्कुल बिगनर लेवल है। सो ये देखिए, जो नियॉन पिंक शेड है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाली है। और अभी मैं जल्द ही आप लोगों के लिए, आप लोगों की डिमांड पर, ऑर्गेन्जा दुपट्टे पर फैब्रिक पेंटिंग लाने वाली हूँ। सो ऑर्गेन्जा पर जब भी हम देखते हैं ना, हैंड पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत लगती है। बहुत साड़ियाँ आजकल ट्रेंड में हैं ऑर्गेन्जा पर, और बहुत ही ज़्यादा फैशन में है ऑर्गेन्जा शेड, सभी शेड उस पर खिलती हैं। तो बहुत ही जल्द मैं आपके लिए ये भी लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि जो मेरे व्यूवर चाहें और मैं ना करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, ये जो आर्टिकल है ना, ये आप ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको इसकी पिक्स चाहिए तो पिक्स भी मैंने लास्ट में दी हैं वीडियो के लास्ट में, तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकती हैं इसका, इस डिज़ाइन का, और आप भी ज़रूर बनाइएगा। ये बेडशीट पर भी बने हुए बहुत खूबसूरत लगने वाले हैं, क्योंकि ये एक राउंड में मैंने एक जो एम्ब्रॉयडरी रिंग लगाया है ना, उसमें एक आ गया, तो आपकी बेडशीट पर जो सिंगल बेड की बेडशीट है उस पर 3 या 4 ही बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि आपका 1 या 2 दिन का ही वर्क होगा और बहुत खूबसूरत आपकी बेडशीट बनकर तैयार हो जाएगी। और अगर आप डबल बेड की बेडशीट पर करेंगे तो धीरे धीरे भी करेंगे तो 1 वीक में आपकी बेडशीट कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन आप जब उसको यूज़ करिएगा ना, तो मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आप बहुत ही खुश होने वाले हैं, बहुत ही तारीफ़ें पाने वाले हैं। तो लेकिन इतनी तारीफ़ों के बीच दोस्तों, आर्ट फैक्ट्री पीडी को ना भूल जाइएगा, क्योंकि आर्ट फैक्ट्री पीडी हमेशा आपके सपोर्ट में खड़ा है। आप जो भी काम करेंगे, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, सब आपके सपोर्ट में है। और अगर कुछ गलती होती भी है या कुछ समझ में नहीं भी आता, तो आप मुझसे कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। तो और फेसबुक का जो लिंक है वो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं और मुझे आप बता सकते हैं आपको क्या समझ नहीं आया, और आने वाली जो हमारी वीडियोस है उसमें क्या वीडियो किस चीज़ को आप सीखना चाहते हैं। तो इस पूरे आर्टिकल में अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं, अलग अलग तरह के डिज़ाइंस हैं, और बहुत ही प्यारा ये है। आप किसी भी शेड में बना सकते हैं, किसी भी कलर में बना सकते हैं। यही जो आप डिज़ाइन है ब्लू कलर के फ्लावर्स में बनाइए, बहुत प्यारी लगने वाली है स्काई ब्लू कलर के साथ, जो गर्मियों में जो सूदिंग से कलर होते हैं ना वो। और अगर आपको ब्राइट कलर चाहिए तो रेड के साथ कंट्रास्ट कीजिए, या फिर इस डार्क मजेंटा के साथ रेड को कंट्रास्ट कीजिए, वो भी बहुत प्यारा लगने वाला है। तो मैंने नियॉन कलर इसलिए लिया है क्योंकि इसकी शेड बहुत प्यारी है, और ये जो शेड है ना, ये रियली में गर्लिश तो है ही, लेकिन आई कैचिंग और सूदिंग सा इसका इफ़ेक्ट आता है। अब मेरे सामने तो ये बना हुआ ओरिजिनल पीस रखा है, मैं इसको देखकर कह सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को तो वीडियो से ही अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि ये कितना ब्यूटीफुल है। मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों, कमेंट्स का आपके हमेशा मुझे वेट रहता है, हमेशा मैं इंतज़ार करती हूँ कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है, वो कब मुझे बताएगी कि मैंने अच्छा किया या बुरा किया। क्योंकि अच्छा या बुरा हम खुद को जज नहीं कर सकते, वो तो दूसरे ही जज करते हैं और दूसरे ही हमें बताते हैं कि हम कैसे हैं या हम कैसा काम कर रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही प्यारे से फ्लावर्स बन रहे हैं। तो अभी आप इनको देखिए और मैं आपको मिलती हूँ अभी जब हम लीफ बनाएंगे।
सो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे जो फ्लावर्स हैं ना ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अब बारी है हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है ना हमारे लीव्स और स्टेम्स का, तो हम अब उसकी ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा बहुत प्यारा है, मैंने सैप ग्रीन कलर इसमें यूज़ किया है और सैप ग्रीन कलर के साथ साथ मैंने थोड़ा सा इसमें ऑरेंज जो है ना वो भी यूज़ किया है। ऑरेंज जो टोन है वो बहुत खूबसूरत लग रही है इसमें, केसरिया कलर और ऑरेंज टोन के साथ थोड़ी सी ब्राउनिश जो है ना पत्तों का लीव्स का कलर लग रहा है, कहीं वाइट तो कहीं ब्राउनिश के लिए मैंने ऑरेंज। ब्राउन को मैंने यूज़ नहीं किया है, बर्नसियाना को नहीं किया है, मैंने ऑरेंज कलर को यूज़ किया है वो इन कलर्स के साथ मिलकर, क्योंकि मैंने बार बार ब्रश वॉश नहीं किया है। सो बार बार ब्रश वॉश ना करने की वजह से ये कलर की जो टोन है ना वो इतनी प्यारी बन गई है, क्योंकि हमारे पूरे आर्टिकल में जो भी शेड्स हम यूज़ कर रहे हैं वो शेड्स हमारे जो लीव्स हैं ना उनमें आनी चाहिए थोड़ी सी हल्की सी झलक, इसीलिए मैं ज़्यादा वॉश करने में बिलीव नहीं करती हूँ। सो अगर हमारी टोन बिल्कुल इस फैमिली से अलग होती जो ये फैमिली जो कलर्स की मैंने यूज़ की है तो मैं इसको बार बार वॉश करती। सो ये मेरा पूरा जो आर्टिकल है एक ही फैमिली के कलर्स हैं, सो इसीलिए मैंने ज़्यादा ब्रश वॉश नहीं की है। सो मेरी डिज़ाइंस और जो मेरी शेड्स हैं सभी मिलती जुलती हैं, लीव्स की शेड्स मिलती जुलती हैं और फ्लावर्स की पेटल्स की। सो ये आप देखिए कितना खूबसूरती के साथ जो है ये बन रहा है और जैसे जैसे इसका रिजल्ट सामने आ रहा है ना तो सच में दोस्तों ये बहुत ही प्यारा बन रहा है। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग बनाइएगा और जब भी बनाएंगे ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। कुर्ती पर तो ये बहुत खिलने वाला है दोस्तों। सो कुर्ती पर बनाएं, चाहे आप दुपट्टा पर बनाएं, चाहे बेडशीट पर बनाएं, पर बनाइएगा ज़रूर। तो देखिए बिल्कुल 000 कलर जो मेरा ब्रश का नंबर है जिससे मैं ये लाइन्स दे रही हूँ। सो फ्रेंड्स ये जो लाइंस है लीव्स की स्टेम्स हैं ये तो आप पर डिपेंड करता है आप कितनी स्टेम्स बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको अपने जो फ्लावर्स के साथ इस तरह से अटैच कीजिएगा कि वो दूर दूर ना लगे और बिल्कुल पास पास लगे बहुत ही खूबसूरती के साथ। और ये देखिए ये बंच बनाया है, ये मैंने बहुत ही इजीली इजी वे में बनाया है, आपको समझ आ ही गया होगा कि मैंने बिल्कुल डॉटेड जो है फ्लावर्स इसमें लिए हैं, छोटे 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 फ्लावर्स के बंच हैं। सो बहुत प्यारा लग रहा है ये भी और मुझे तो पूरा डिज़ाइन प्यारा लग रहा है। आपको इस पूरे डिज़ाइन में क्या सबसे खूबसूरत लगा सो ये तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ही बताएंगे। तो दोस्तों लाइक करने में कभी भी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अप्रिशिएशन मिलता है, हमें भी पता चलता है कि हमारी मेहनत लोगों को पसंद आ रही है या नहीं, हमारे फैमिली मेंबर्स को पसंद आ रही है या नहीं। सो फ्रेंड्स ये तो सब आप पर ही डिपेंड करता है, हमारा काम है सभी यूट्यूबर्स के लिए मैं ये बोल रही हूँ कि हमारा काम तो वीडियो अपलोड करना है आप लोगों के लिए, नए नए आर्टिकल नए नए कंटेंट्स लेकर आना है, लेकिन उसको पसंद करना और शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करना तो आपके हाथ में है। सो हमारा काम तो वीडियो अपलोड करने तक होता है, आगे का काम तो हमारे व्यूवर्स अपने आप ही कर देते हैं। सो अब बारी है ये इस खूबसूरत से बर्ड की और बर्ड में मैं कलर्स यूज़ करने वाली हूँ। ब्लू कलर जो मेरा मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ सेरेलियन ब्लू, वो कलर यूज़ किया है और मैंने पर्पल शेड यूज़ की है एक, और उसके साथ साथ जो ये ऑरेंज कलर की शेड ब्राउनिश शेड बनी है ना ये शेड मैंने यूज़ की है। सो आप देखिए इसमें किस तरह से मैं मिक्सिंग कर रही हूँ और बहुत ही क्यूटनेस के साथ ये बर्ड बना है। ये देखिए ये जो ब्लू कलर है ना बहुत ही प्यारा लग रहा है और आप लोग बनाइएगा। ये बर्ड तो मैंने आपको सिखाया भी था फ्री हैंड बनाना, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा हल्की हल्की जो है ना बिगनर्स को सोच के इसमें मैंने आउटलाइंस ली है, मैंने ज़्यादा कोई इसमें डिटेलिंग नहीं ली है, सब मैं बाकी तो शेडिंग से ही कर रही हूँ, बाकी जो मेन आउटलाइंस है ना फ्रेंड्स वो मैंने इसमें ली है। और आप भी चाहें तो ऐसे ही मेरी तरह रफली ड्रॉ करके, बिल्कुल रफली ड्रॉ किया है मैंने, कोई मैंने इसमें ट्रेसिंग यूज़ नहीं की है, आप देख ही सकते हैं कि मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ है। सो मैं कोई ज़्यादा ट्रेसिंग पर बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि ट्रेसिंग वो होती है जो पहले बन चुका होता है, और हम फ्री हैंड जो बनाते हैं वो
फर्स्ट क्रिएशन होती है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कितनी पसंद आई है, क्या पसंद आया है, सो ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो कमेंट सेक्शन है वो हमेशा आपका इंतज़ार करता है, कमेंट्स कीजिएगा, खूब सारे कमेंट्स कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। सो चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और सब्सक्रिप्शन के पास ही एक छोटी सी बेल आइकन है दोस्तों, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर अपकमिंग लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमसे सबसे पहले जुड़ सके। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए आर्टिकल के साथ।